हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग मेहनत करें और अपनी सफलता की सीढ़ी को प्राप्त करें। तो स्टूडेंट, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न शुरू करने जा रहे हैं। हाल ही में विश्व आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत आसियान का सदस्य नहीं है, ठीक। तो इसकी थीम क्या है? विकास का केंद्र, आसियान विकास का केंद्र इसका थीम है। आसियान शिखर, आसियान भारत शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? विकास का केंद्र। अब देख लेते हैं, राजधानी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता हो गई, कुआलालंपुर की राजधानी मलेशिया हो गई, नॉमपेह की राजधानी कंबोडिया हो गई और हनोई की राजधानी वियतनाम हो गई। अब कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पाया जाता है? कहाँ स्थित है? कंबोडिया में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा, कौन सा सम्मेलन कहाँ हुआ है इंडोनेशिया में, उसको देख लेते हैं। तो आसियान का 43वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में। तो इसका फुल फॉर्म, आसियान का फुल फॉर्म देख लेते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में। वर्तमान में इसमें कितने देश हैं? वर्तमान में इसमें 11 देश हो गए हैं। जो नवीनतम देश सम्मिलित हुआ उसका क्या नाम है? तिमोर लिस्ते। अब देखते हैं, ईस्ट एशियन समिट का 18वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह भी जकार्ता में हुआ था, ठीक है। इसका पहला सम्मेलन कहाँ किया गया था? 2005 में जकार्ता में ही हुआ था, ठीक है। अब देखते हैं कि ईस्ट एशियन समिट में कितने देश सम्मिलित हैं? तो इसमें 10 देश सम्मिलित हैं, ठीक। 10 आसियान के जो सदस्य सम्मिलित हैं ये इसमें सम्मिलित हैं। भारत भी सम्मिलित है, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इसके बाद रसिया और USA, इतने देश इसमें सम्मिलित हैं, ठीक। भारत आसियान 20वां शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है जकार्ता इंडोनेशिया में, ठीक है। अब हम प्रश्न दो देख लेते हैं। G20 अध्यक्षता के तहत रूट्स एंड रूट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होगी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में। यहीं पे राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना की गई है नई दिल्ली में, देख लेते हैं। इसका ये प्रदर्शनी कब होगा? रूट्स एंड रूट्स पार्ट्स प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस की प्रदर्शनी कब होगी? तो 9 सितंबर को, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं अपने। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में। इसमें कितने देश सम्मिलित हैं? 19 देश और इसके बाद एक संगठन यूई, मतलब यूरोपियन यूनियन, जिसमें कितने सदस्य हैं? 27 देश सम्मिलित हैं। 2022 का बैठक कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में। और 2023 का बैठक कहाँ हुआ है G20 का? भारत में। और 2024 का बैठक कहाँ होगा? ब्राज़ील में। इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? ट्राइका, ठीक। इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? ट्राइका। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 3 को, करंट अफेयर के। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन समिट के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकेश सूजी, ठीक। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इंटरनेशनल इको स्पोर्ट्स फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? 2008 में। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की स्थापना 2008 में हुई थी और कहाँ हुई थी? बुशान। बुशान कहाँ है? ये साउथ कोरिया में है, ठीक है। अब देखते हैं कि लोकेश सूजी प्रेजेंट टाइम पे क्या है? तो ये एशियन ई स्पोर्ट्स फेडरेशन के उपाध्यक्ष भी हैं, ठीक। लल्लन टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। UNO में अस्थाई प्रतिनिधि भारत की कौन है? रुचिरा कंबोज। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये हैं अजय बंगा। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल भारतीय सदस्य कौन है? अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल भारतीय सदस्य कौन है भारत की तरफ से? ये हैं NV रमन्ना, ठीक। और नेक्स्ट देखते हैं, UN महासभा की पहली महिला महानिदेशक कौन है? विजया लक्ष्मी पंडित हैं। UN महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित। प्रश्न 4 देखते हैं।
करंट अफेयर का, हाल ही में देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ हुआ? हाल ही में देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सांची। ठीक है, सांची में क्यों हो रहा है? क्योंकि सांची जो है कर्क रेखा पर स्थित है, जिससे वहाँ पे धूप जो है अच्छे से प्राप्त होता है। 23.5 अंश नॉर्थ पर कर्क रेखा स्थित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उद्घाटन इसका कौन करेंगे? शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ललन टॉप का पहला प्रश्न है, भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव है मोडेरा, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में। ब्लैक पैगोडा या सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। इसे किसने बनवाया था? किस वंश के शासक ने? गंग वंश के शासक ने बनवाया था, जिनका नाम क्या था? नरसिंह देव प्रथम। ठीक, अब देखते हैं गोल्डन पैगोडा कहाँ स्थित है? म्यांमार में। म्यांमार की राजधानी क्या है? न्यापीता। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में स्थित है, गुरुग्राम हरियाणा में। COP 21 में इसका गठन भारत और फ्रांस ने मिलकर किया था। ठीक है, अब हम अपने करंट अफेयर के प्रश्न 5 को देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने UGC समर्थित शिक्षक प्रशिक्षण के लिए कौन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मालवीय कार्यक्रम का शुभारंभ किए हैं। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक, इसको याद रखना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। UGC सपोर्ट कर रहा है किसे? मालवीय कार्यक्रम को सपोर्ट कर रहा है। UGC का फुल फॉर्म होता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक, अब इसके लल्लन टॉप प्रश्न को देख लेते हैं। प्रोजेक्ट क्लैब कहाँ शुरू किया गया है? यू की मतलब उत्तराखंड में। ठीक, और इसका क्या तात्पर्य है? शिक्षा को बढ़ावा देना। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट क्लैब उत्तराखंड में शुरू किया गया है। और वहाँ के CM कौन है? पुष्कर धामी। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे मिला है? NCERT को मिला है। और NCERT के हेड कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी। ठीक, NCERT के निदेशक कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 21A में है। इसका कब शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। एक्ट कब का है? RTE एक्ट कब आया था? 2009 में आया था। और इसे लागू कब किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को। RTE कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट। करंट अफेयर का 6ठा प्रश्न है, पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 सितंबर, यानी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। व्याख्या देख लेते हैं। इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस, ठीक है, इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस की स्थापना कब हुई थी? 7 सितंबर 1923 को, मतलब आज इसको 100 साल पूरे हो गए हैं इसकी स्थापना को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है? लियोन्स। कैसे याद करेंगे? देखो, इंटरपोल ला तक याद रखना, इसके बाद ला से ली बना देना, तो लियोन्स हो जाएगा। तो लियोन्स कहाँ पे है? फ्रांस में। तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है? लियोन्स में। भारत इसमें कब सम्मिलित हुआ था? 1949 में, जिस वर्ष भारत आजाद हुआ था उसी के नेक्स्ट ईयर भारत इसमें सम्मिलित हो गया था। और भारत में इसकी 90वीं बैठक हुई थी, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ठीक, इसमें टोटल कितने देश हैं? 195 देश हैं। अब इसकी ललन टॉप को देख लेते हैं। पोषण माह कब शुरू किया गया था? पोषण माह पूरे सितंबर माह को घोषित किया गया है। ठीक, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को 1961 में शुरू किया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये होता है 5 अक्टूबर को। ठीक, इसको याद रखना, 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। अब हम अपने करंट अफेयर के प्रश्न 7 को देख लेते हैं। हांगजो एशियाई खेलों में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? हांगजो एशियाई खेल में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? तो इसका सही जवाब क्या है? अमूल। ठीक, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आसियान गेम्स, ठीक, आसियान गेम्स जो हो रहा है इसमें कितने खेल होंगे? इसमें होगा 40 खेल।
ठीक, कितनी प्रतियोगिताएं हैं, 61 प्रतियोगिताएं हैं, ठीक। और इसका प्रारंभ कब होगा, सितंबर से अक्टूबर तक ये खेला जाएगा, ठीक। ये किस क्रम का, ये 19वें क्रम का एशियाई खेल है, ठीक। अब देखते हैं इसको, अमूल की स्थापना कब की गई थी, 1946 में की गई थी, और कहाँ पे किया गया है, गुजरात में, ठीक है। ये गुजरात में किया गया, ये एक दूध फैक्ट्री है, मतलब ये दूध कंपनी है, ठीक। अब देखते हैं इसके लल्लन टॉप को, एशियान गेम्स के हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं, जो एशियान गेम है इसके बारे, इसकी हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं कि ये कब पहली बार इसका हुआ आयोजन, भारत इसमें कितनी बार इसका आयोजन कर चुका है, इसकी मतलब मुख्यालय सब कहाँ पे है ये देख लेते हैं। तो इसका इसका आसियान गेम का पहली बार आयोजन कहाँ हुआ था, 1951 में दिल्ली में, मतलब भारत में इसका आयोजन हुआ था। और 2018 में इसका आयोजन कहाँ हुआ है, जकार्ता में। और 2026 में कहाँ होगा, जापान में। और भारत अब तक कितनी बार आसियान गेम्स का आयोजनकर्ता बन चुका है, तो भारत अब तक 2 बार इसका आयोजन कर चुका है, एक तो पहली बार किया था 1951 में, और इसके बाद कब किया, 1982 में। तो स्टूडेंट हम अपने नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था, बर्मिंघम इंग्लैंड में, ठीक। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था, बर्मिंघम इंग्लैंड में, और इसका शुभंकर क्या था, पेरी द बुल, ठीक। और 2026 का आयोजन कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया में, इसमें ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पे था, 2000 जो 2022 में हुआ था राष्ट्रमंडल खेल, इसमें ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पे था और भारत चौथे स्थान पे था, ठीक। 2026 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होगा। अब फीफा वर्ल्ड कप देखते हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का ये 22वां ही क्रम था, कहाँ पे आयोजन किया गया था, कतर दोहा में, ठीक है। और 2026 में कहाँ होगा, USA, कनाडा, मैक्सिको, मतलब अमेरिका महाद्वीप में, ठीक, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में इसका आयोजन किया जाएगा 2026 का। प्रश्न 8 देखते हैं करंट अफेयर का, शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब किया जाएगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1 से 8 सितंबर, ठीक। 8 सितंबर को क्या होता है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को। उल्लास ऐप जो कि शिक्षा मंत्रालय ने स्टार्ट किया है, मतलब लागू किया है, और उल्लास ऐप का क्या तात्पर्य है, इसका क्या मतलब होगा, ये सीखने की शक्ति को बढ़ावा देगा उल्लास ऐप, ठीक है। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय ने उल्लास ऐप जारी किया है। लल्लन टॉप को देख लेते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता दिवस साक्षरता किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा साक्षर केरल में है, और सबसे कम साक्षरता कहाँ पे है, बिहार में। तो इसको सर ने किस कैसे याद कराया था, स्कर्वी से। स्कर्वी किस रोग से होता है, विटामिन सी की कमी से, किससे होता है, विटामिन सी की कमी से, खट्टे फल को खाने से विटामिन सी की कमी दूर हो जाती है। तो इसको ट्रिक में कैसे याद करा रहे थे, अधस्सा से क्या हो जाएगा, साक्षरता, अधस्सा से क्या हो जाएगा, साक्षरता, और का से केरल, मतलब सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पे है, केरल में, और बी से बिहार, सबसे कम साक्षरता बिहार में, ठीक, 2011 के अनुसार। प्रश्न 9 देख लेते हैं, और एक देख लेते हैं कि नव भारत साक्षरता अभियान कब शुरू किया गया था, कब तक, कब से कब तक रहेगा, 2022 से 2027 तक, इसमें 15 वर्ष के ऊपर के सभी बच्चों को शिक्षित किया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 9 करंट अफेयर का, हाल ही में टाटा स्टील इंडिया शतरंज टूर्नामेंट 2023 में रैपिड वर्ग का खिताब किसने जीता है, क्वेश्चन क्या है, हाल में टाटा स्टील इंडिया शतरंज टूर्नामेंट में रैपिड वर्ग का खिताब किसने जीता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिव्या देशमुख। इसका रैपिड वर्ग का खिताब का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, जो शतरंज टूर्नामेंट से संबंधित है, इसका आयोजन कलकत्ता में किया जा रहा है, पश्चिम बंगाल में, ठीक। विनर कौन है, दिव्या देशमुख हैं, और किसे हरा के जीती हैं, तो कोनेरू हेम्पी को, तो कोनेरू हेम्पू उप विजेता है, और विजेता दिव्या देशमुख है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था, बुडापेस्ट, बुडापेस्ट किसकी राजधानी है, हंगरी की, इसमें नीरज चोपड़ा ने क्या जीता था, इसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था, कितना दूर भाला फेंका था, 88.17 मीटर फेंके थे, ठीक है। और विश्व शतरंज चैंपियनशिप इसका आयोजन कहाँ हुआ था, बाकू, बाकू की राजधानी
मतलब बाकू किसकी राजधानी है, अजरबैजान की राजधानी है। इसमें आर प्रज्ञानंद ने सिल्वर जीता था। इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता था, कार्लसन, जो कि कहाँ के हैं, नॉर्वे के। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं ललन टॉप का। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप इसका आयोजन कहाँ हुआ था, कोपेनहेगन। कोपेनहेगन किसकी राजधानी है, डेनमार्क की। इसमें एच प्रणय ने क्या जीता था, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप इसका आयोजन कहाँ हुआ था, भारत में। भारत में इसमें कितने गोल्ड जीते थे, 4 गोल्ड। ठीक है, लवलीना, नीतू भंगास, स्वीटी बोरा और निकहत जरीन। ठीक, ये 4 लोगों ने गोल्ड मेडल जीता था। अब देखते हैं करंट अफेयर के लास्ट प्रश्न को। हाल ही में विकलांग बच्चों के लिए सबल योजना किसने प्रारंभ की, सबल योजना दिव्यांग बच्चों के लिए किसने प्रारंभ की है, तो ये हिमाचल प्रदेश ने प्रारंभ की है। और हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू सबल योजना को प्रारंभ किए हैं, जो दिव्यांग बच्चों से संबंधित है। इसमें क्या है, ये दिव्यांग बच्चों की देखभाल करेगा स्कूलों में, और इसके बाद राज्य की जितनी भी जॉब निकलेंगी इसमें 2% आरक्षण भी दिया जाएगा। ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। प्रणाम योजना कहाँ से संबंधित है, किससे, भूमि से। हम अपनी भूमि माता को, पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं, तो ऐसे हाथ जोड़ते हैं, तो आप याद रख लेना, प्रणाम भूमि प्रदूषण से संबंधित है, इसको कम करना है, भूमि प्रदूषण। विश्वकर्मा योजना किससे संबंधित है, ये शिल्पकारों से संबंधित है। ठीक, और ये कब शुरू किया जाएगा, 17 सितंबर को। 17 सितंबर को मोदी जी का बर्थडे भी है। और मिष्टी योजना कब किससे संबंधित है, तो ये मैग्रोव वनों से संबंधित है। सबसे ज़्यादा मैग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में, जो कि भूकंप से, सुनामी से रक्षा भी करते हैं। महिला सम्मान बचत पत्र कब लागू किया गया, इसका मतलब क्या है, महिला सम्मान बजट निधि या पत्र, इसको नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया। इसमें 2 लाख महिलाओं को मतलब उनका इनकम किया जाएगा, और कितना उनको ब्याज देकर, 7.5% ब्याज देकर। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और कृष्ण जन्माष्टमी अच्छे से सेलिब्रेट करें। जय हिंद, जय भारत।